हेलो बच्चों, आज हम हिंदी का पाठ एक सूरज पढ़ेंगे। अच्छा बच्चों, आप मुझे बताएं, आसमान में आपको क्या क्या दिखाई देता है? सूरज, चांद, तारे। आज हम सूरज के बारे में बात करेंगे। अच्छा, आपको पता है यह कविता किसने लिखी है? यह कविता श्री प्रसाद ने लिखी है। चलो आज हम साथ में ये कविता पढ़ेंगे। पूरब का दरवाजा खोल, धीरे धीरे सूरज गोल, लाल रंग बिखराता है, ऐसे सूरज आता है। बच्चों, सूरज पूर्व दिशा से उगता है और जब ये उगता है तो इसका रंग लाल रंग का होता है और ये धीरे धीरे गोल होता जाता है। गाती है चिड़िया सारी, खिलती है कलिया प्यारी, दिन सीढ़ी पर चढ़ता है, ऐसे सूरज बढ़ता है। अब जैसे जैसे सूरज उगता जाता है, वैसे ही आपको चिड़ियाओं की चहचहाट सुनाई देने लगती है और ऐसे सूरज बढ़ता है। लगते हैं कामों में सब, सुस्ती कहीं न रहती, तब धरती गगन दमकता है, ऐसे तेज चमकता है। जैसे जैसे सूरज बढ़ता है, वैसे वैसे लोग अपने कामों में लग जाते हैं। धरती गगन दमकता है, जिस तरह से सूरज का प्रकाश तेज होने लगता है, उसी तरह से धरती गगन चमकने लगता है। गर्मी कम हो जाती है, धूप थकी सी आती है, सूरज आगे चलता है, ऐसे सूरज ढलता है। और जैसे जैसे सूरज आगे बढ़ता जाता है, शाम होने का समय होता है तो गर्मी कम हो जाती है और सूरज धीरे धीरे ढल जाता है। तो इस कविता में हमने सूरज के बारे में पढ़ा है। चलिए अब हम एक बार कविता को फिर से पढ़ेंगे। पूरब का दरवाजा खोल, धीरे धीरे सूरज गोल, लाल रंग बिखराता है, ऐसे सूरज आता है। गाती है चिड़िया सारी, खिलती है कलियां प्यारी, दिन सीढ़ी पर चढ़ता है, ऐसे सूरज बढ़ता है। लगते हैं कामों में सब, सुस्ती कहीं न रहती, तब धरती गगन दमकता है, ऐसे तेज चमकता है। गर्मी कम हो जाती है, धूप थकी सी आती है, सूरज आगे चलता है, ऐसे सूरज ढलता है।